पार्टी ने एतमाद कर दिया, इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगा आप लोगों के सामने बैठ के, आप लोगों से डिटेल डिस्कशन होगी, मैं आपको पूरा अपना एजेंडा दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान का फैसला हो गया। चेयरमैन पीटीआई ने सवात के रुकन असेंबली महमूद खान को वजीर आला नामजद कर दिया। परवेज खटक ने महमूद खान का नाम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए तजवीज किया था। वजीर आला के लिए असद कैसर और आतिफ खान के नाम गर्दिश में थे। इमरान खान के पसंदीदा आतिफ खान को फेवरेट समझा जा रहा था, लेकिन साबिक वजीर आला परवेज खटक की मुखालिफत के बाद वजारत आला का कुरा महमूद खान के नाम निकल आया। 24 ने एक बार फिर सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार रखते हुए 6 अगस्त को ही महमूद खान को वजीर आला बनाने की खबर ब्रेक कर दी थी। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कुछ दिनों से जारी जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के हवाले से नाम पाया था, वो बिलाखिर आज बनीगाला में जो इमरान खान है उन्होंने वो फैसला कर दिया है। महमूद खान साबिक हुकूमत में खेल, सकाफत और आप पाशी के सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। लाहौर के हलका NA 131 पर वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी था। मंगल तक 5 पोलिंग स्टेशन पर रीकाउंटिंग हो चुकी थी कि अचानक बुध की सुबह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया कि गिनती रोक दी जाए। साथ ही अदालत ने रीकाउंटिंग से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त भी समाप्त के लिए मंजूर कर ली। अदालत के हुक्म पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रीकाउंटिंग उनका कानूनी हक था जो नहीं मिला। अभी 5 पोलिंग स्टेशन खुले थे और इनवैलिड वोट सिर्फ जो मुस्तरद वोट है उन्हें काउंट किया गया था, तो 117 वोट जो थे वो इमरान खान के कम हो गए थे। तो वो इमरान खान से अपनी पार्टी की दौड़े लगी हुई थी कि किसी तरीके के साथ ये रिकाउंट करवाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा लीगल राइट है वो मुझे नहीं मिला। दूसरी तरफ नईमुल हक ने मौकिफ अपनाया कि पीटीआई रिकाउंटिंग से नहीं भागी। तो हमारे 5 आदमी तैयार थे रिकाउंट के, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरीके से वो हमने तैयार कर रखी थी टीम, मगर आज बहरहाल अहकाम के मुताबिक वो उसके ऐलान हो गया है 131 का। NA 131 से तहरीक इंसाफ के सरबरा मामूली फर्क से कामयाब हुए थे, जिसके खिलाफ साद रफीक रिटर्निंग अफसर के पास गए, जबकि तमाम पोलिंग बैग खुलवाने की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत आलिया ने दोबारा गिनती कराने की इजाज़त दी तो इस फैसले के खिलाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के से इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी रोक दिया है। आम इंतखाबात में पीटीआई के पंजाब असम्बली के लिए 123 अरकान मुंतखब हुए थे। एक रुकन के इंतकाल के बायस तादाद 122 रह गई, जबकि ज्यादातर आज़ाद अरकान की शमूलियत से पीटीआई के अरकान की तादाद 145 से 147 हो सकती है। इस तनासुब से मखसूस नशस्तों पर पीटीआई की कम से कम 33 खवातीन और 4 अकलियत रुकन मुंतखब होने का इम्कान है, जिससे ऐवान में पीटीआई के अरकान की तादाद 184 तक पहुँच सकती है। पंजाब में वजीर आला बनने के लिए कम से कम 186 वोटों की जरूरत है। असेंबली में काफ लीग की 2 खवातीन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने का इम्कान है, जिसके बाद काफ लीग के मेंबरान 9 हो जाएंगे। अब तक की सूरत हाल में पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के मुंतखब अरकान की तादाद 132 के लगभग है। इस तनासुब से मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की 29 खवातीन और 4 अकलियत रुकन मुंतखब होंगे, जिससे ऐवान में नून लीग के मजमूई अरकान की तादाद 165 हो सकती है, जबकि पीपल्स पार्टी को खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त मिलने से ऐवान में उनकी तादाद 7 हो जाएगी। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ ऑपोजिशन जमातें सड़कों पर निकल आई, शहर शहर एहतजाज और धरने दे दिए। धांधली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। MMA, JUIFA, ANP ने मर्दान, कला, चारसदा, सिकंदराबाद, हैदराबाद, घोटकी, उबाड़ू, चमन और दीगर शहरों में इलेक्शन में मुबैना धांधली और नतीजे के खिलाफ एहतजाज किया। कारकुनान ने धांधली नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए। मुश्तैल मुजाहरीन ने मुख्तलिफ शाहराहें बंद कर दी, जिसके बाद ट्रैफिक बंद हो गई, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। चारसदा के आजम चौक में ANP और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन जमा हो गए। मर्दान में भी नौशहरा रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहरीन ने इलेक्शन कमीशन और मुबैना धांधली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कप्तान की कुर्बत रखने वाले जुल्फकार उर्फ जुल्फी बुखारी के खिलाफ नैब रावलपिंडी में ऑफशोर कंपनियों के इल्जामात की तहकीकात चल रही हैं।
تفتیشی ٹیم سے تعاون نہ کرنے پر نیب کی درخواست پر زلفی بخاری کا نام ای سی ایل میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تمام ایئرپورٹس پر امیگریشن حکام کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انہیں زلفی بخاری کے خلاف لندن سے کچھ اہم دستاویزی ثبوت بھی ملے ہیں جو آف شور کمپنیوں سے متعلق ہیں اور جو غیر قانونی آف شور کمپنیوں کے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ نیب حکام کا کہنا ہے کہ ایک ماہ گزرنے کے باوجود زلفی بخاری نے سوال نامے کا جواب بھی نہیں دیا۔ زلفی بخاری نے 24 نیوز کے رابطے پر نیب الزامات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ آف شور کمپنیاں لندن میں بزنس کا حصہ ہیں۔ نیب سوال نامے کا جواب لیگل ایڈوائزر سے مشاورت کے بعد دوں گا۔ چودھری صغیر احمد، 24 نیوز، اسلام آباد۔